इससे पहले चतुर्थक विचलन, चतुर्थक चतुर्थक विचलन, ठीक है, और मार्ग विचलन, ये सब आपने करना है जिसकी मांग थी बड़ी हुई विस्तार, ठीक है। अब अपन जो सब पढ़ रहे हैं वही मांग विचलन, मांग विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम लोगों ने इसका जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसकी गणना में प्रत्यक्ष रीति से और लघु रीति से देखी, उसके बाद खंड श्रेणी में भी हमने प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति से स्वभाव की गणना की थी। आज हम अखंड श्रेणी, क्योंकि इसमें हम भागी है और आवृत्ति दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कहते हैं आवृत्ति, ठीक है। तो बल और आवृत्ति है मतलब अखंड श्रेणी है, अखंड श्रेणी का आज हम सवाल करेंगे लघु रीति, क्योंकि कल हमने इसका प्रत्यक्ष रीति से सवाल किया था, और लघु रीति से जब सवाल करेंगे हम जिसमें जो गणना है उसके लिए बहुत बढ़िया देखते हैं। तो समांतर मात्र का लघु रीति से जो फॉर्मूला है अखंड श्रेणी में है वो है ए प्लस माइनस सिग्मा दो कॉलम है, वो मैं क्वेश्चन से लेके आए हैं। पहले बार की आवृत्ति 10 है,
तो पिछले हमारा 30 30 का जो वर्ग होता है 200 होता है, 30 का वर्ग
ठीक है, इस बार फिर चेक कर लेते हैं। 9 से 15, 15 से 17, 18, 22, 5, 27, ठीक है, कितना हो गया 27,000। इसको भी अपन कॉस में रखेंगे। एस डी बराबर का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट सिग्मा एन बी स्क्वायर, तो कितना आया 27,000 बटा एन कितना है 100 माइनस ब्रैकेट में क्या आना है एन डी एक्स, तो कितना है माइनस का 400 बटा 100 का वर्ग। हल करेंगे अंडर रूट ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 जीरो कम होंगे 270, यह क्या बचेगा माइनस का 4 का वर्ग, तो 270 अंडर रूट माइनस 4 का वर्ग करेंगे 16 प्लस का होगा प्लस माइनस माइनस बचेगा 16 हो जाएगा 270 माइनस 16 256, 256 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 15.94, कितना आएगा 15.94। तो इस प्रकार हमारा तमाम प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा 15.94। इसका गुणांक निकालेंगे, गुणांक यही निकालेंगे, फॉर्मूले के नीचे रख देंगे, ठीक है। गुणांक आएगा एस डी हमारा निकल गया है 15.94, इसको समांतर माध्य के मान से भाग देंगे, मतलब 15.94 को 3.1 से भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.51। कितना निकल के आएगा 0.51। तो इस प्रकार हम अखंडित श्रेणी में लघु विधि से समांतर मार्ग, प्रमाप विचलन व उसके गुणांक की गणना करते हैं। तो कहीं के मन को ऐसे नहीं है दिक्कत नहीं हो, अपन को स्टेप बाय स्टेप ठीक है क्रम अनुसार चलना है। पहले श्रेणी की पहचान, फिर उसमें कौन से फॉर्मूले प्रयोग होंगे, हमें कौन कौन सी गणनाएं करनी है, तो लोग टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद जो हमें मूल्य प्राप्त हुए हैं हमें उनको फॉर्मूले रखेंगे, तो हमें एक एक करके जो हमारे गणनाएं करनी है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे ठीक। तो इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म होता है प्रमाप विचलन। अवकरणी की जो माप है, अवकरणी की माप में सबसे प्रमुख माप थी और सबसे आखिरी माप है। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे सहसंबंध ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक अवकरण की माप, अवकरण की माप खत्म होता है। हमने बहुत सी मापें पढ़ी थी ठीक है, तो आज ये खत्म होता है। इसमें हमने विस्तार भी पढ़ा था, अंतर चतुर्थक विस्तार पढ़ा था, चतुर्थक विचलन पढ़ा था, माध्य विचलन पढ़ा था इसमें ठीक है, और प्रमाप विचलन ठीक। तो इतनी सारी